नमो ऐप आज के समय में और किसी का है नंबर, ये अपने देश के हर एक नागरिक के लिए एक ऐसा सबको एक जानकारी पहुंचाने का एक ऐसा ऐप है जिसमें भारत में क्या क्या प्रगति के कार्य चल रहे हैं, पूरे देश में क्या क्या विकास के कार्य चल रहे हैं, पूरे देश में आगामी क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, और ख़ास तौर से अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के हमारे इसके एम्बेसडर भी बनाए जा रहे हैं, अपने नमो ऐप के एम्बेसडर भी बन रहे हैं। तो उसके निमित्त आज इस बलरामपुर जनपद के अपने हनुमानगढ़ी चौराहे पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी सारी संख्या में अपने नगर पालिका के भी लोग इकट्ठा है, आसपास के जो युवा साथी हैं वो भी इकट्ठा है, और कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ में लगे आईटी सोशल मीडिया के, वो भी यहाँ पे जो युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, उनसे संवाद करके नमो ऐप को जोड़ने का आग्रह करा जा रहा है, और एक भारी मात्रा में आप देख सकते हैं रजिस्टर भी रखा हुआ है, और नमो ऐप की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्वतः लोग अपनी स्वेच्छा से जो है कर रहे हैं। इससे लोगों को लाभ क्या मिलेगा? लाभ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सही जानकारियाँ होना। तो हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, डबल इंजन की जो सरकार है, देशवासी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उनकी सारी जो जन कल्याणकारी पहल है, वो सब हम इस ऐप के माध्यम से जान रहे हैं, देख रहे हैं, और इनसे जुड़ने का सुनहरा अवसर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए उसकी पूर्ण जानकारी भी होना बहुत आवश्यक है, और आज के जो युवा हैं, जो आज की महिला है, आज के जो हमारे जितने भी नागरिक हैं, आने वाली जनरेशन है, उसको भी अपडेट होना चाहिए। तो एक कह सकते हैं कि हम सबको अपडेट करने के लिए एक बहुत अच्छा एक साधन है, एक संसाधन है कि हम नमो ऐप से जुड़े। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।